तो हम लोग को 4 से 5 बजे के बीच में आज बुलाया है COVID-19 का वैक्सीनेशन लेने के लिए। पता नहीं निशु कौन सा वाला मिलने वाला है, कोविड शील्ड वाला मिलने वाला है। तो लेट्स सी, मैं आपको पूरा अपडेट दूंगी कि इंजेक्शन लेने से लेके बुखार आया नहीं हुआ, सब अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं, मम्मी और डैडी हम लोग तीनों लेने वाले हैं। निशु का तो ऑलरेडी हो चुका है और सानू को तो साथ में लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि घर में उसको देखने के लिए कोई नहीं है। सो यस, वी ऑल फर्स्ट डोज के लिए जा रहे हैं हम लोग। मीशो ने फॉर्म तो 2 दिन पहले ही सबमिट कर दिया था, जहाँ पे वो ऑफिस में वो लोग ने अरेंज किया था, वहाँ जाके 780 रुपीज़ पर पर्सन पे किया है। और अभी हम लोग तीनों जो यहाँ पे क्लब वन में लेने वाले, क्योंकि वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ पे लगा है विरार वेस्ट का, जो क्लब वन है वहाँ पे। क्लब वन बहुत सुंदर है, बहुत फेमस है विरार में। तो ये एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग ने एंटर किया है। अभी लॉकडाउन की वजह से क्लब बंद है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है। ये पूरा लॉबी एरिया जो आप लोग देख सकते हो, और सामने कितना सुंदर पूरा टाइल्स वर्क किया है उससे, ये पूरा फ्रेम ड्रॉ किया है वो, और ये पूरा उसका लॉबी एरिया है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से नीटली अरेंज किया था, सब बैचेस वाइज में बिठाया था, 2 से 3 का बैच, 3 से 4 का बैच, और स्लोली मूव करके एक सोफ़े से दूसरे सोफ़े से ऐसा अरेंज करते करते लास्ट में फ़ाइनल इधर हम लोग अंदर आ गए। अंदर का जो पैसेज था वहाँ पे, फिर यहाँ से डॉक्टर का चेकअप वगैरह होता है, आपका फॉर्म चेक करते, आधार कार्ड वगैरह डिटेल्स चेक करते, क्रॉस चेक करते, डॉक्टर आपसे डिटेल्स पूछता आपको कैसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है। उसके बाद फाइनल आपको जो इंजेक्शन के लिए, ये देखिए यहाँ पे अभी मम्मी और डैडी गए अपना अपना लेने के लिए, और इनके बाद अभी मेरा नंबर आने वाला है। एंड लुक एट हाउ का तीनों का कोविड वैक्सीनेशन, कोविड शील्ड वाला इंजेक्शन हो गया है। और हम लोग को 15 मिनट बिठा के रखा और बोला है अगर बुखार आएगा तो क्रोसिन, पैरासीटामोल या तो डोलो ले लेना। तो क्रोसिन का तो पूरा पाउच ही हम लोग के घर में है, तो कुछ भी अभी तक ऐसा फील नहीं हो रहा। फीलिंग गुड सो फार सो गुड। मम्मा बड़ा अट्टा है ना, और अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि फर्स्ट डोज मिल गया हम लोगों, है ना मम्मा। तब से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमको डोज मिलेगा। तो फाइनली वी पेड 780 रुपीज़ फॉर दिस डोज, प्राइवेट डोज लिया है, गवर्नमेंट का फ्री वाला नहीं है। पीछे ये पूरा जो आप क्लब वन में देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा कैंप चालू है। तो अभी नेक्स्ट डोज हम लोग 84 डेज के बिटवीन में दिया है, स्केड्यूल दिया है, तो लेट्स सी तब सेकेंड डोज मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, चलो। और सानू देखिए फोटो सेशन करा रही है क्लब वन के बाहर, इतना अच्छा ब्यूटीफुल डेकोरेशन इंटीरियर किया है ना, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैंने आप अंदर से भी मैंने आपको दिखा दिया कैसा दिखता है। लॉकडाउन की वजह से बेचारा बंद पड़ा है, और मम्मी भी आ गई है सानू के बाजू में। एग्जैक्टली 1 घंटा हो गया हम लोग को इंजेक्शन लेके, अभी तक तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके, सो फार सो गुड। और आज मेरा ना ये अजियो का पार्सल डिलीवर होने वाला था, तो सुबह से मुझे वही टेंशन हो रहा था कि हम सब एक साथ जाने वाले हैं और उस वक्त अगर ये डिलीवरी आ गया, क्योंकि इसको कैश पेमेंट करना था, तो मेरे को वही था कि दीपा जी भी नहीं है बाजू में, तो अगर मैं उनको भी दे के चली जाती तो वो डिलीवरी ले सकते थे, बट वो भी नहीं है, हम लोग भी नहीं है, तो मेरा पार्सल रिटर्न ना चला जाए। बट थैंक गॉड अभी वो हम लोग घर पर आए, और हम लोग के आने के 15-20 मिनट बाद ही आया। तो यस, मैंने इसको अभी तक ओपन भी नहीं किया है, सो मैं भी आप लोग के सामने इसको ओपन करती हूँ, एंड आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया। 2 चीज़ मंगाया था, उसमें से एक चीज़ आ गया है, एक चीज़ अभी भी आना बाकी है, तो उसका डेट आई थिंक 2-3 दिन के बाद आ जाएगा। दिखाता कुछ है और फिर आता कोई और डेट पे, इसका भी डिलीवरी 2-3 दिन के बाद ही था, लेकिन जल्दी पहुँच गया। अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं कहीं पर जल्दी हो जाता है, कहीं कहीं पर लेट हो जाता है। तो यस, एक वन पीस मंगाया था और एक पजामा मंगाया था। तो ये इसका बिल भेजा है, ये देखिए इसका बिल आया है, और ये रहा मेरा नाइसली पैक। मैंने डार्क ब्लू में मंगाया, नेवी ब्लू, तो ये भी सील है, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, नहीं हाँ है यार ओपन करने के लिए।
और इस पे भी ये देखिए MRP लिखा है 599 का है, और ये भी मुझे 473 विद डिलीवरी चार्जेस मिला है। 99 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस ले लेते हैं तो ये आई थिंक सो मुझे 370 380 के अंदर मिला। ये देखिए सब डार्क ब्लू कलर का पूरा ऐसा प्लाजो टाइप पजामा है। जो लास्ट टाइम मैंने मंगाया था ना उसका लेंथ थोड़ा शॉर्ट था, इतना ही था जो लास्ट टाइम मंगाया था, इसका लेंथ थोड़ा बड़ा है। ये फुल साइज़ है, पूरा आपके लेग्स को कवर कर देगा, और इसको भी यहाँ पे आगे ऐसा बो टाइप है बांधने के लिए, और पीछे से इलास्टिक है। मतलब मैं ना जो अजीव ऐप है ना उसमें अंडर 500 के इसमें क्लिक करती हूँ और स्क्रॉल करते करते ढूंढते रहती हूँ कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट मुझे 300-400 के अंदर मिल जाए, क्योंकि डिलीवरी के साथ वो 500 में आता है, तो फिर ऐसा कुछ दिख जाता है ना तो मैं फट से ऑर्डर कर लेती हूँ। क्योंकि अजियो के जो भी मैंने लास्ट टाइम मंगाया था वो, और अभी ये भी जो आया ना, दिस इज़ नॉट रेयन नॉट कॉटन, एक अलग ही मिक्स मटेरियल है, तो उसको धोने के बाद ना इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और ये क्वालिटी बहुत अच्छा आता है, जो उन लोग का प्रोडक्ट्स है ना जो उन लोग डिलीवर करते, इज़ वैल्यू फॉर मनी। अभी सब जगह ऑफर चल रहा है तो इसलिए देखिए टैग भी इसका 600 का है, लेकिन ये मुझे 473 में विद डिलीवरी चार्जेस मिला है, तो विच इज़ वेरी गुड। और सब ब्रांडेड ही रहते हैं, ये भी ब्रांड का ही है। सो ये रहा, जब मैं किसी दिन इसको अभी इसको पहले वॉश कर लूँगी अच्छे से डेटॉल में, और जब इसको कभी पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मॉर्निंग ना मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ रह जा रहा है बोलने के लिए, बताने के लिए, क्या बात, जब भी शूट करके हो जाता है फिर याद आता है, अरे भूल गई नेक्स्ट टाइम बोल दूंगी। तो मैं सुबह से आप लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि आज है गुरु पूर्णिमा, मतलब दिन तो अभी एंड होने आया, मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। सो आप सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और हम लोग ने सुबह ही मॉम डैड को कैडबरी दिया, उनके क्या बोलते हैं पैर छुए, आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग्स लिया। सानू ने भी किया, हमारे भी पैर छुए, सानू ने हमारे भी ब्लेसिंग्स लिए। फिर सानू की टीचर आई तो उसको हम लोग ने एक रोज़ दिया, कैडबरी दिया, तो सानू के लिए भी बहुत स्पेशल फील हो रहा था कि मम्मा आज क्या है करके। सो द डे वॉज वेरी नाइस, हम लोग ने अच्छे से गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट किया। आई एम श्योर आप लोग का भी अच्छे से गया होगा, आपने भी अपने एल्डर्स का, अपने पेरेंट्स का, सबका ब्लेसिंग्स लिया होगा, क्योंकि हमारे लाइफ में जो हमारे पहले गुरु होते वो हमारे पेरेंट्स ही होते, जो हम लोग को लाइफ में हर अच्छी चीज़ सिखाते, हमें इतना अच्छे से मतलब ना लाइफ का हर स्टेज, हर इसमें हमें सपोर्ट करते हैं, सब कुछ अच्छे से गाइड करते हैं। उसके बाद फिर हमारे लाइफ में हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, टीचर्स लोग आ जाते हैं, फिर वो हमें गाइड करते। तो जो भी एल्डर है आपके आसपास या आपके घर में, उनके सबका ब्लेसिंग लीजिए, अच्छा होता है। सो येस, और हमारा अपडेट अभी का बताऊँ तो अभी 10:30 बज रहा है, अभी हम तक तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ना बुखार आया, ना कोई बॉडी पेन हो रहा है, कुछ नहीं, डिनर वगैरह सब अच्छे से हो गया है। सो फार सो गुड। मैं आप लोगों को कल सुबह बताती हूँ कि अगर रात भर में कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है, ऐसा तो मुझे लग रहा है नहीं होगा, बट लेट्स सी, टुमारो मॉर्निंग आई विल गिव यू द अपडेट। और सानू ये वियाना के पास से आ गई है, अपना होमवर्क कर रही है, अच्छे से फ्रेश हो गई है, खाना वगैरह सब उसने खा लिया है, फिर भी उसको कुछ तो खाना है, तो मैंने कहा पहले होमवर्क कंप्लीट कर, क्योंकि सुबह टाइम पे टीचर आ जाती है फिर होमवर्क पूरा वैसे ही रह जाता है। और आज वो एकदम सडन प्लान बन गया, इसलिए डायरेक्ट बियाना के पास बिना होमवर्क के चली गई, तो कभी कभार चल जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, बट आई टोल्ड हर फिनिश योर होमवर्क एंड देन ओनली गो टू स्लीप। तो अभी उसका एक पेज हो गया है, सिर्फ एक पेज बाकी है हिंदी का, तो वो कंप्लीट करेगी, उसके बाद देन विल गो टू स्लीप। और मैं आप लोग को कल मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डे 2 और मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। मम्मी डैडी तो एकदम ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, थैंक गॉड, टचवुड, उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे वही टेंशन हो रहा था। और मुझे सुबह 4 बजे से इतनी ठंडी लगने लग गई ना, मैंने इतना जाड़ा क्विल्ट लिया था तो भी मुझे एकदम शिवर हो रहा था, ठंडी लग रही थी, फ़ैन बंद कर दिया तो भी मेरे पैर वगैरह सब दुखने लग गए थे। सो आई डोंट नो, मुझे थोड़ा शायद रिएक्ट हो गया है इंजेक्शन का, मतलब बोलते ना किसी को बुखार आता है, किसी को नहीं आता है, किसी की बिगड़ती है तबीयत, किसी की नहीं बिगड़ती है, तो मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है। तो माय मॉर्निंग हैज़ नॉट स्टार्टेड नाइस। मैंने अभी थोड़ा सा नाश्ता किया है और मेडिसिन लिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था या तो बुखार बदन दर कुछ होगा तो क्रोसिन, या तो पैरासीटामोल, या तो डोलो ले लेना, तो क्रोसिन है घर में, तो मैंने अभी क्रोसिन लिया है एंड आई एम गोइंग टू रेस्ट लिटिल बिट, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी कुछ हो नहीं रहा है। और मुझे नहीं लगता ये व्लॉग को भी मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, सो आई विल एंड दिस व्लॉग हियर ओनली। वैसे तो मैं ठीक हूँ, इतना ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा थोड़ा वीकनेस जैसा फील हो रहा है, पैर वगैरह दुख रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड। तो आधे मन से व्लॉग करने में कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा मैं थोड़ा रेस्ट करूँ और आपको एक फ्रेश और अच्छे व्लॉग में मिलती हूँ। एक फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करेंगे एंड ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।